जो दूसरा प्रूफ है वो है आपका डेल पी एक्स बाय डेल टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक, मतलब फॉर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम फॉर नॉर्मलाइजेशन कंडीशन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम इज क्या हो जाएगी? साई स्टार पी ऑपरेटर साई डेल वी, इक्वेशन नंबर वन कर लो यहां से इसको। ठीक है, हमने टाइम डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट शॉर्टेंजर इक्वेशन की बात पहले वाली क्लास में कर ली, अब हम बात करते हैं इसकी रेगुलरिटी में, इस चीज की। वी नो डेट मोमेंटम ऑपरेटर P is given as minus iota h cross del by del x, इक्वेशन नंबर टू हो गई ये। नाउ यूजिंग टू इन वन इक्वेशन टू को इक्वेशन वन में पुट कर दो तो वैल्यू आ गई आपके पास पी एक्स माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल बाय डेल एक्स साई डेल बी। ठीक, अब इसको क्या लिख सकते हो आप? माइनस आयोटा एच क्रॉस को तो बाहर निकाल दो, अंदर क्या लिख सकते हैं? साई स्टार डेल साई बाय डेल एक्स डीवी, इक्वेशन नंबर थ्री। अब हमें क्या निकालना है? ये तो हो गया हमारे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगी पी एक्स की, पी एक्स के रेस्पेक्ट में जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ये हमने निकाल ली। अब हमारा निकालने का जो टारगेट है वो क्या है? डेल पी एक्स अपॉन डेल टी। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एक्स का डिफरेंशिएशन है टी के रेस्पेक्ट में, उसको हमें किसके बराबर प्रूव करना है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ फोर्स के बराबर। तो इसके बराबर जब हम प्रूव करेंगे इसको, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा इसको? सबसे पहले क्या करना है हमें इसका? नाउ डिफरेंशिएट अबो इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो ये वैल्यू होगी आपके पास इसका डिफरेंशिएशन करो, ये तो कॉमन हो गया, यहां वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल साई स्टार बाय डेल टी डेल एक्स प्लस प्लस ठीक
उल्टा हो गया, ये डेल एक्स विद रेस्पेक्ट टू टी के सापेक्ष ले रहे हैं। तो इसको तो आप अंदर बाहर लिख सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। अब हम इसको आगे कैलकुलेट करना है। हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या है, अब यहाँ से वैल्यू निकालनी है आयोटा एच क्रॉस इंटीग्रेशन डेल साई स्टार बाय डेल टी डेल साई बाय डेल एक्स आएगा यहाँ पर, डेल एक्स डीवी माइनस आयोटा एच क्रॉस इंटीग्रेशन साई स्टार, इसको लिख सकते हैं हम डेल बाय डेल एक्स डेल साई बाय डेल टी डीवी इक्वेशन नंबर 5। तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ गई। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे हमने पहले प्रोसेस किया था जो टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है उसका यूज किया था किसके अंदर, इक्वेशंस के अंदर जिसकी जो कॉन्जुगेट फॉर्म थी और नॉन कॉन्जुगेट फॉर्म थी उन दोनों का यूज किया था। यहां पर भी दो चीज आ गई, डेल साई स्टार बाय डेल टी कॉन्जुगेट फॉर्म आ गई, डेल साई बाय डेल टी नॉन कॉन्जुगेट फॉर्म आ गई। तो वैल्यू पुट कर दो यहां पर, इक्वेशन हमें पता है, इसका मान क्या है, माइनस आयोटा एच क्रॉस बाय 2m डेल स्क्वायर साई स्टार, ठीक, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाई डेल एक्स डीवी, ठीक, माइनस आयोटा एच क्रॉस इंटीग्रेट डेल बाय डेल एक्स, अंदर क्या आ जाएगा, आयोटा एच क्रॉस बाय 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई अपॉन आयोटा एच क्रॉस डीवी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई इसकी। दोनों की अब इन चीजों को हमें सोल्व करना है। ये तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, अब इसको सोल्व करना है हमें। माइनस ठीक है, अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे हम, आयोटा एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दो, टाइटा एच क्रॉस तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों तरफ से, दोनों ये दोनों इक्वेशंस के अंदर आयोटा एच क्रॉस तो कैंसिल हो जाएगा। इसको अलग अलग कर लो सारे को, पूरे इक्वेशंस को क्या कर लो, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लो, फोर पार्ट में डिवाइड हो जाएगी ये। तो इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, वापस क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस आ गया, तो ये हो गया माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m, ये तो क्या रह गया, एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m इंटीग्रेट डेल स्क्वायर साई स्टार डेल साई बाय डेल एक्स डीवी। ये तो पहली इक्वेशन होगी, माइनस माइनस प्लस वी साई स्टार डेल साई बाय डेल एक्स डीवी इंटीग्रेट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आयोटा स्क्वायर प्लस हो गया, तो हो गया प्लस एच क्रॉस स्क्वायर बाय 2m इंटीग्रेट
डेल बाय डेल एक्स डेल स्क्वायर साई माइनस इंटीग्रेट साई स्टार डेल बाय डेल एक्स वी साई डेल वी। इक्वेशन नंबर इसको कर दो 6। ठीक, इक्वेशन नंबर क्या हो गई, ये 6 हो गई। अब इसको आगे सोल्व करो। पहले तो क्या होगा, इसको ध्यान से देख लो इस चीज को। अब इसको हमें सोल्व करना है यहां से। नाउ यूजिंग हर्मिटी ऑपरेटर, नाउ यूजिंग हर्मिटी ऑपरेटर, हर्मिशन ऑपरेटर का हमें यहां पर यूज करना है। हर्मिटी ऑपरेटर का, ऑपरेटर्स के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं सारे ऑपरेटर्स के बारे में। माइनस एच क्रॉस स्क्वायर, माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, हर्मिशियन ऑपरेटर का। नाउ यूजिंग हर्मिटी ऑपरेटर, हर्मिटी ऑपरेटर का जब यूज करेंगे तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, ये तो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, ये हो गया साई स्टार, ठीक है, साई स्टार डेल स्क्वायर डेल साई बाई डेल एक्स, डेल साई बाई डेल एक्स डीवी प्लस, इसको एज इट इज रहने दो, वी डेल साई बाई डेल एक्स डी वी प्लस एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, इसको भी हर्मिशियन ऑपरेटर के रूप में क्या लिख सकते हो, डेल स्क्वायर डेल साई बाई डेल एक्स डी वी माइनस इंटीग्रेशन डेल बाय डेल एक्स वी साई डी वी, ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा यहां से, एक टर्म तो हमारे पास बची इंटीग्रेशन वी साई डेल साई बाई डेल एक्स, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन अंदर देखो, हम यहां पर दो वैल्यू हमारे पास साई वी इंटू साई, तो ये हो जाएगा वी डेल साई बाई डेल एक्स प्लस साई डेल वी बाई डेल एक्स डी वी। तो जो इक्वेशन आ गई हमारे पास वी साई स्टार डेल बाई डेल एक्स डी वी माइनस वी डेल साई बाई डेल एक्स माइनस साई स्टार साई डेल वी बाई डेल एक्स डी वी, इससे ये क्या हो गई, कैंसिल होगी। तो हमारे पास जो इक्वेशन बची वो हो गई, इसको लिख सकते हैं हम साई स्टार माइनस डेल वी बाई डेल एक्स
साई डीवी, ठीक। वी नो डेट एपेक्स इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो फ्रॉम अबव इक्वेशंस वी कैन राइट डेल पी एक्स बाई डेल टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन एफ एक्स ऑपरेटर साई डी वी। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, एफ एक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एफ एक्स पी एक्स बाई डी टी। तो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई, प्रूव होगी। ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर क्वेश्चंस के अंदर भी पूछी जाती है, इसका स्टेटमेंट भी पूछा जाता है। तो इसके स्टेटमेंट की मैं एक बार फिर बात कर लेता हूँ। स्टेटमेंट इसका इस तरह से दिया गया है कि अगर कोई पार्टिकल है, कोई कण है, तो उसकी स्थिति तथा संवेग में जो अनिश्चितता पाई जाती है वो नेग्लिजिबल होती है, नगण्य होती है। तो उसके आधार पर कहा गया है कि जो क्वांटम प्रॉपर्टी होती है पार्टिकल की वो कन्वर्ट होकर किस में आ जाती है, क्लासिकल प्रॉपर्टी के अंदर, मतलब किसको शो करती है, क्लासिकल प्रॉपर्टी को। इस दौरान जो पार्टिकल होता है उसकी ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। वो दोनों वेलोसिटी के बारे में हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। ये आपके अर्नफेस्ट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है।